प्यारे दोस्तों, आप लोगों का टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है आज। जैसा कि आप यहां पे मेल आया हुआ है, जिन जिन कैंडिडेट्स को आप देख सकते हैं, इस मेल में आपको ये बताया गया है, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर टेकिंग पार्ट इन मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बिटवीन 27th to 30th March 2023 फॉर द टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। We are happy to inform you that you have been declared fit in medical fitness test. Congratulations. You are advised to report in person as per schedule indicated below to collect your offer letter, biodata fill up and trade selection. तो 10 अप्रैल को आपको ट्रेड सेलेक्शन के लिए और ऑफर लेटर के लिए आपको जाना पड़ेगा। SNTI में जिन लोगों का बुलाया गया है, तो ये टाइमिंग आप देख सकते हैं, 9 बजे से रखा गया है। और आपका वेन्यू की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो आपका SNTI एन रोड बिष्टुपुर जमशेदपुर। तो आप लोगों को ये मेल आज आ गया है, जो लोग चेक कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं आप लोग मेल को चेक कर लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट के साथ बी रेडी। एंड ट्रेड सेलेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि एक बार जैसा आप ट्रेड सेलेक्शन करते हैं, फिर आपको समझिए ये आपका करियर उसी पर डिपेंड करता है। तो आप लोग उसका जो ट्रेड सिलेक्शन है वो अच्छे से करिएगा। अभी देखना ये है कि वो मेरिट के हिसाब से वहाँ पे दिया जा रहा है या आपको चुनने का वहाँ पे मिलेगा। तो अगर हम थोड़ा सा आपको बता दें, तो इसमें भी आपका बहुत सारा ट्रेड आपको ऑफ़र किया जाता है। जैसे अगर हम पहली बात करेंगे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड आप लोगों को कौन कौन सा ऑफ़र किया जाता है। ये मैं डायरेक्ट आप लोगों को ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आप लोगों को नंबर 1 पे दिख रहा होगा, दूसरे नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल दिख रहा होगा, उसके बाद 3rd नंबर पर स्टील प्लांट में ऑपरेशन में आपको दिख रहा होगा, फिटर यहाँ दिख रहा है और वेल्डर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब ट्रेड आपको ऑफ़र किया जाता है बेसिकली वहाँ पे। वेल्डर में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिस्ट भी है, तो इस तरह से ऑपरेशन में भी बहुत लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी इसमें हैं उनका कहना है कि इसमें थोड़ा सा जो वर्क प्रोफाइल है वो थोड़ा आसान होता है और अदर ट्रेड्स के कंपेरिज़न में, ठीक है। तो ये मेरा कहना नहीं है, जो लोग वहाँ पर हैं उन लोगों का कहना है। और जो बात करें तो अदर ट्रेड्स के मुकाबले ये थोड़ा इजी है, ठीक है। अब बाद बाकी ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, दूसरे का आपको नहीं सुनना है, आपको आप अपना इंटरेस्ट को देखिए, ठीक है। आपको जिस भी ट्रेड में जिस भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप इलेक्ट्रिकल में अगर इंटरेस्टेड है, मैकेनिकल है आपके पास, फिटर है, वेल्डर है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, स्टील प्लांट है, बहुत सारा रहता है वहाँ पर, आपको बताया जाएगा डिटेल में, सारी चीज़ें को समझाई जाएंगी, ठीक है। जब आप जाएँगे उसके बाद आपको ट्रेड सिलेक्शन करना है, और जिस ट्रेड के साथ आप एक बार सेलेक्ट कर लिए तो उसी के साथ आपको जो है आपका पूरा ट्रेनिंग उसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, क्योंकि बहुत लोग अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि क्या क्या ट्रेड हमको वहाँ पर ऑफ़र किया जाएगा, कौन कौन सा ट्रेड चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल सोर्स से ये आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और आप लोग जाइए, उसके बाद मेरे को आप लोग बता भी सकते हैं कि आप लोग कौन कौन सा ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।